हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीज विद पुरुगार चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से संबंधित। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार संविधान के भाग में वर्णित हैं। ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, सी ऑप्शन भाग 4 में, डी भाग 5 में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा भाग 3 में, बी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित हैं। ए राज्यों के नीति निर्देशित तत्वों से, बी मूल कर्तव्यों से, डी नागरिकता से, सी मूल अधिकारों से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा सी मूल अधिकारों से। क्वेश्चन नंबर 3, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। ए भारत में, बी संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी फ्रांस में, डी ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35, बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36, सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39, डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर बी राम अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सी भाग 3। क्वेश्चन नंबर 6, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं। बी संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप हैं, सी सरलता से संशोधनीय नहीं है, डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदैत्य अधिकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदैत्य अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ए 21, बी 22, सी 23, डी 24। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी 24। क्वेश्चन नंबर 8, शुरू में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी 7। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं इन प्रेजेंट टाइम में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए 6। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए मूल संविधान का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है। ऑप्शन ए नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मूल कर्तव्य, ऑप्शन डी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा डी मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का होगा ए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, बी उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, सी दोनों के पास, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा सी दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोनों के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 13,
मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी राष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। ए सुप्रीम कोर्ट को, बी हाई कोर्ट को, सी प्रधानमंत्री को, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ए सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सी संसद द्वारा, डी उनमें से कोई नहीं। वो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा सी संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नागरिक को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बी निलंबित किया जा सकता है, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा बी निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए केंद्र व राज्य के बीच विवाद, बी राज्यों के परस्पर विवाद, सी होगा मूल अधिकारों का परिवर्तन, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी मूल अधिकारों का परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ए संसद पार्लियामेंट, बी राष्ट्रपति, सी न्यायपालिका, डी मंत्रिमंडल, ई कार्यपालिका। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा सी न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 19, मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी राष्ट्रपति। तो 19 का उत्तर होगा डी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20, जो कि इस वीडियो का आज आखिरी का क्वेश्चन होगा, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी न्यायपालिका को, डी इनमें से किसी को नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा संसद को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल।